मोदी सरकार को फिर से खिफत का सामना। भारतीय मीडिया ने भारत की जानिब से एक साल पहले 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करके वादी को तरक्की देने के बुलंदोबांग दावों का पोल खोल दिया है। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 के एकतरफा इकदाम के बाद मकबूजा कश्मीर में एक साल के दौरान 4,56,000 अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा वादी की मईशत को 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि 6,000 एकड़ जरिए जमीन को सनअती मकासद के लिए मुख्तस कर दिया गया है। भारतीय अखबार का कहना है कि यह सूरत हाल आर्टिकल्स 370 और 35A के खात्मे के मनफी असरात का नतीजा है। भारत की इंतहा पसंद हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आइन के आर्टिकल 370 खत्म करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को जबरदस्ती भारतीय यूनियन का हिस्सा बना दिया था। भारत की हिंदू इंतहा पसंद सरकार ने मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने के लिए एक और कदम उठाते हुए मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल एक्ट भी नाफिज कर दिया था।